और का दोस्तों, मैं वीरू शुक्ला आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं सूचना मिली है कि सुल्तानपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे गोसाईगंज बाजार में कोई सांप देखा गया है और हमारे पास फ़ोन किया से बताया कि सर यहां पे कोई सांप निकल गया है और मैं दोस्तों यहां पे आ चुका हूं। आइए हम देखते हैं कौन सांप है, उसे बाहर निकालते हैं। सर आइए, जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, अभी घर जो है बन रहा है, उसी में सांप दिख गया है। पटरा बंदी ठड़िया जो लगे हैं, घर का सामान जो है रखा गया है, उसी में सांप दिखाई पड़ गया और हमें सर ने बताया, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ सांप पकड़ने के लिए। हम बाहर निकालते हैं, आइए। जैसा कि दोस्तों जो सांप देखा गया है, वो सांप इसी में गया है, इस कबाड़ में, इस सामान में। घर बन रहा है तो सामान तो बाहर निकाला जाएगा, इसी सामान में आ गया है सांप। हम सामान को हटाते हैं और फिर सांप को बाहर निकालते हैं। ठीक है सर, इसे अब हम हटाते हैं। तुम सिर्फ उधर देखो, बाहर बंदी दो, ए बंदी नीचे ध्यान दे रहा जान बोल। इसमें लाइट तो नहीं भैया? नहीं 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 नहीं, ठीक है। सांप है, दिख गया है, घोड़ा पछाड़ सांप है, घुकराज कहते हैं, यहीं पे बैठा है, घोड़ा पछाड़ पीछे दिखा। आप हटाइए, रुक जा, कहाँ गया? हाँ हाँ, यहीं पे है, वहीं पे है, वहीं पे है। दिखाइए सर, अबे रुक जा, बात मत करो। ठीक है दोस्तों, इसे हमने कैच कर लिया है और इसे हम बाहर लेके चलते हैं, क्योंकि घोड़ा पछाड़ सांप बहुत ही तेज होते हैं। ठीक है सर, चलते हैं और हम बाहर लेके निकल। आइए सर। अरे तो जो कैसे आए ना बता बता, देखिए दोस्तों किस तरह से गट्ठी को मार दिया। नहीं, एक मिनट दोस्तों, गट्ठी मार दिया है एकदम, छुड़ाना मुश्किल है। एक पूछ पकड़ो बाबू,
अभी ये अपना यहाँ यहाँ हमारे सीने पास देखने इस तरफ से ले आओ बीच में से निकालो ठीक है सर हम बाहर लेके चलते हैं फिर कठिया ले यार ठीक है दोस्तों हम बाहर लेके चलते हैं आइए सर ठीक है दोस्तों हमने इसे पकड़ लिया है और हम बाहर लेके आ गए हैं पानी ले लो पछाड़ है इनमें विशेष जहर तो नहीं होता है इन्हें काटने से होता नहीं लोग घबरा जाते हैं भयभीत हो जाते हैं डर जाते हैं तो इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है इनका नाम ही है घोड़ा पछाड़ क्योंकि घोड़े की कितना इनकी रफ्तार है और जिससे कोई विशेष खतरा नहीं है अगर काटते तो आप लोग झाड़ फूँ जाए तभी डॉक्टर की सलाह ही लें तो डॉक्टर बताएगा आप उसके अनुसार दोस्तों थोड़ा पानी दे सकता हूँ पानी नहीं एकदम गट्ठी मार देता है ना जिस तरह गट्ठी मारता आदमी नहीं मारता है हेलो हेलो एक मगिया पानी लाया है नहलाते सोनू आएगा भैया कितना बड़ा है सर देखिए अरे तरह मैं क्या करूँगी आज बोला बोली गया नहीं नहीं बाबू ये सोनू जाता है अरे सोनू ठीक है दोस्तों इसे अब हम पैक करते हैं और सुरक्षित जंगल में ले चल के छोड़ देंगे रसीला भैया रसीला बाबू इनके दुकान ठीक है दोस्तों हमने सांप पैक कर दिया है और इसे हम ले चल के सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना नमस्कार बता जब बोलो जैसा कि दोस्तों हम जंगल में पहुंच चुके हैं जो सांप अभी हमने गोसांगंज बाजार में पकड़ा है उसे छोड़ने के लिए लाए हैं ठीक है दोस्तों इसे हम छोड़ देंगे ठीक है दोस्तों हमने यही सांप पकड़ा है अब इसे हम सुरक्षित वातावरण जंगल में छोड़ रहे हैं ठीक है दोस्तों छोड़ दिए हैं सुरक्षित वातावरण में अपने जा रहा है दोस्तों जंगल में क्योंकि जंगल ही इनका घर है दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों अगर सांपों से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है आप हमें सूचना दीजिए मैं जहां तक होगा पहुंचूंगा ठीक है दोस्तों बाय बाय।